हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। आज हम जानेंगे कि जियो मार्ट में आपका ऑर्डर शिपिड हो जाता है या डिस्पैच हो जाता है, उसके बाद आपको अपना ऑर्डर को कैसे कैंसिल करना है। तो यहाँ मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया और अच्छे से बताया आपको अपना ऑर्डर कैसे कैंसिलेशन कराना है। हमारा शिपिड फ्रेंड्स हो जाता है तो कोई भी ऑप्शन शो नहीं होता है कैंसिलेशन का जियो मार्ट में, तो आपको कैसे करना है ये ऐप से ही आपको करने के लिए बताऊंगा, और बाकी किधर से आपको कैंसिल नहीं करना, ये ऐप में से ही हो जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ऐसी वीडियो आपको मिलते रहती है गाइस। और मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपको कुछ इसके रिलेटेड कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, ऐसी वीडियो आपके लिए आते रहती है, आपके लिए और वीडियो बना देगी। अगर आपको कुछ पूछना है, कोई वीडियो चाहिए तो इस पर मिल जाएगी। तो गाइज़ हम चलते हैं। अगर आपने ऑर्डर किया है और आपका शिपिड हो चुका है, कैंसिल का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, तो गाइज़ देखिए आपका कैंसिल हो जाएगा और आपने पैसा पेमेंट कर दिया, वो भी रिफंड मिल जाएगा। ऊपर आपको 3 लाइन दिख रही गाइज, उस पर आपको क्लिक करना है। तो आपको सबसे पहले ऊपर 3 लाइन दिख रही जियो मार्ट लिखा गाइस, उस पर क्लिक करके आपको, तो गाइस आपको ऊपर 3 लाइन पे क्लिक कर लीजिए। तो चलिए, और उसके बाद हमें यहाँ नीचे देखिए हेल्प एंड सेटिंग लिखा है, कस्टमर सर्विस लिखा है, तो एयरफोन का मार्क बना है, उस पर क्लिक करिए कस्टमर सर्विस पे। और यहाँ हमें स्क्रोल अप करना है गाइस। स्क्रोल अप करने का देखिए लॉग ए कंप्लेंट लिखा है, स्क्रोल अप करने का नीचे क्लिक हियर लिखा है, लॉग ए कंप्लेंट क्लिक हियर, उस पर आपको अब क्लिक करना है। यहाँ ऑटोमेटिक आपका नंबर और नाम फेच कर लेगा, सिर्फ आपको अपना ऑर्डर आईडी सेलेक्ट करना है। तो चलिए पहले, सबसे पहले हम हमारा ईमेल आईडी देते हैं, तो आप अपना ईमेल आईडी जो रजिस्टर होता है वो इधर एंटर कर लेना है, जो आपका रजिस्टर है जियो मार्ट से वही एंटर करना है, कोई दूसरा मत डालना है, तो आपका कैंसिलेशन में प्रॉब्लम आएगा। अब आपको अपना ऑर्डर आईडी सेलेक्ट करना है, तो अपने ऑर्डर के अंदर जाके देख सकते हो आपकी ऑर्डर आईडी क्या है। और यहाँ अगर आपने फर्स्ट टाइम किया है तो खुद ब खुद आपका ऑटोमेटिक एक ही रहेगी, अगर आपने 2-3 बार पहले भी ऑर्डर कर चुका है तो आपको देख लेना है। देखिए मैंने पहले भी ऑर्डर किया, इसके लिए अलग अलग हमारा आ रहा है। तो गाइज मैं अपना एक सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मुझे मालूम है, और प्रोडक्ट की आईडी भी सेलेक्ट कर लेना, सेलेक्ट शिपमेंट आईडी। तो गाइज हमारे जो शिपमेंट आईडी है वो भी आपको देख के सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए सेलेक्ट प्रोडक्ट, तो हमारा प्रोडक्ट भी सेलेक्ट करना है, तो हमारा ये प्रोडक्ट था इसको सेलेक्ट कर लिया। अगर आपको कोई इमेज अपलोड करना है गाइज, तो यहाँ इमेज भी अपलोड कर सकते हो। तो गाइज यहाँ देखिए इशू डिटेल है, सब्जेक्ट और डिस्क्रिप्शन, यहाँ ध्यान से आपको देखना है, जो मैं आपको बताऊँगा वही लिखना है, और 100% आपका गाइस ये कैंसिल हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर फ्रेंड बहुत लोगों का डिस्पैच होकर घर पे आउट फॉर डिलीवरी भी हो जाता है, वो भी बताऊंगा, आउट फॉर डिलीवरी हो गया तो आपको कैसा करना है उसको भी कैंसिल। तो गाइस यहाँ आपको लिख लीजिए ऑर्डर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट, तो सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है, ऑर्डर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट, और यहाँ लिखना है प्लीज़ कैंसिल माई ऑर्डर एंड रिफंड माई मनी। अगर पेमेंट किया है तो आपको लिखना है रिफंड में मनी, अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो आपको ये नहीं लिखना है रिफंड में मनी, सिर्फ आपको लिखना है प्लीज़ कैंसिल माई ऑर्डर एज सून एज पॉसिबल, आप ऐसा लिख सकते हो अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो। जिसने पेमेंट किया है उसको लिखना है प्लीज़ कैंसिल माई ऑर्डर एंड रिफंड में मनी एज सून एज पॉसिबल, तो इतना आपको लिखने का। गाइस ऊपर देखिए आपको एक कैटेगरी है, उसमें से सेलेक्ट भी करना है, कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना ऊपर, और सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर लेना। सबमिट रिक्वेस्ट करके एक बार पहले सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने से पहले चेक कर लेना आपने सारी डिटेल सही से भरा है कि नहीं। देखिए कंप्लेंट क्वेरी टाइप पे हमारा आई वांट टू कैंसिल माय ऑर्डर आपको सेलेक्ट करना है और सबमिट कर देना है। तो गाइज यहाँ हमारा आ चुका है, थैंक यू, यू बी हैव रिसीव योर मैसेज एंड बी विल गेट बैक टू यू एज क्विकली पॉसिबल। तो गाइज हमारा जो प्रॉब्लम है ऑर्डर कैंसिलेशन का वो ले लिया गया है, जैसा वो कैंसिल कर देंगे वो आपको गाइस मैसेज से या ईमेल से या आपको इधर ऐप में शो हो जाएगा आपका ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। और गाइस मैं बोलना चाहूँगा, जिसका भी आउट फॉर डिलीवरी हो जाता है उसको कैंसिल करना है तो उसके घर पे आ जाएगा, तो फ्रेंड्स उसको बोलना हमने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, ऐसे ही कर लेना आपको, उसके बाद बोलना हमने ऑर्डर कैंसिलेशन के लिए रिक्वेस्ट दे दिया और कैंसिल भी कर दिया, नहीं चाहिए तो वो लेके चले जाते प्रोडक्ट, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका जैसा वो प्रोडक्ट पहुँच जाएगा जिधर से आया था, आपका रिफंड भी आपको मिल जाएगा। तो इतना ही करने का है। तो गाइस आप समझ गए हमें ऐप में से कैसे कंप्लेंट करना है, ऐसे ही करके आपको कंप्लेंट करना है, आपका 100% शिपिड जो ऑर्डर हो जाता है वो भी कैंसिल हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया हमारा ऑर्डर कैसे कैंसिल करना। आप चाहो तो गाइस देखिए इधर लॉग ए कंप्लेंट के नीचे सी प्रिविलेज राइज कंप्लेंट,
क्लिक हियर पे क्लिक करके अपना वो भी देख सकते हैं आपका अभी तक का रिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। आपको एक दो घंटे के बाद ही देखना है। आपको स्टार्टिंग में देखोगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा, सी प्रिविलेज राइज कंप्लेंट लिखा है, उस पर क्लिक करके अपना इश्यू चेक कर सकते हो आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो गाइस ऐसा करके आपको करना है, और चाहो तो कॉल भी कर सकते हो। कॉल करके कुछ फ़ायदा नहीं गाइस, वो आपका जल्दी से कॉल कभी कभी पिकअप नहीं करते, या कभी फ्रेंड्स पिकअप करके भी हो जाता है तो आप कॉल करना चाहो तो कॉल करके भी बोल सकते हो हमारा ऑर्डर कैंसिल करना है, तो वहाँ से भी आप सबमिट कर सकते हो अपनी रिक्वेस्ट। तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कुछ पूछना है तो नीचे कॉमेंट कीजिए, आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियो मिलते रहे।